नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान का पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के भाग 2 पर आएंगे। पिछले वीडियो में आपने रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण को कैसे लिखा जाता है और उसको संतुलन कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ा था। अब हम आगे इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो अभिक्रिया संतुलित तो हो गई, अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं किन किन प्रकार की होती है। अभिक्रिया कैसे हो रही है इसके आधार पर अभिक्रिया चार प्रकार की हो सकती है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऊर्जा के निकलने के आधार पर भी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, ऊष्माक्षेपी जिसमें की ऊर्जा निकलती है या फिर ऊष्माशोषी जिसमें की ऊर्जा बाहर से ली जाती है। कुछ अभिक्रियाएं रिडॉक्स भी होती हैं। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया से शुरू करें। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक से अधिक अभिकारक हैं और केवल एक ही उत्पाद है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कोयले का दहन, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, दो अभिकारक हैं परंतु उत्पाद केवल एक ही है। ऐसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, यहां पर भी दो अभिकारक हैं और एक ही उत्पाद है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं तो वो बड़ी तीव्रता से अभिक्रिया करता है और बहुत ऊर्जा निकलती है इसमें और बुझा हुआ चूना बन जाता है। अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। संयोजन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्माक्षेपी होती है क्योंकि दो पदार्थ जब जुड़ के एक पदार्थ बनते हैं तो उनके बीच जो बॉन्ड होते हैं वो एक बॉन्ड ज्यादा बनता है और उसमें कुछ ऊष्मा निकल जाती है। हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया भी ऊष्माक्षेपी है। अच्छा, यहां पर यह जरूरी नहीं है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं ही हो। यहां पर आप देख सकते हैं जो दूसरी अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रियाएं नहीं है लेकिन वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जरूर है। फल सब्जी का कंपोस्ट में बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब बढ़ते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पर। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। वियोजन तीन तरीकों से हो सकता है, तपन से, विद्युत ऊर्जा से या सूर्य के प्रकाश से। सबसे पहले हम तापन से वियोजन के कुछ उदाहरण देखेंगे। जब फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो वो भूरे रंग के फेरिक ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के गैसेस निकल जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में बदल जाता है। लेड नाइट्रेट के जब विलयन को गर्म किया जाता है तो वो लेड ऑक्साइड में टूटता है और साथ ही NO2 और O2 गैसेस निकल जाती है। गौर करने की बात है कि NO2 गैस भूरे रंग की होती है, इसलिए जब इसको हम परख नली में इस प्रक्रिया को देखते हैं तो भूरे रंग की गैस निकलती है। अब हम वैद्युत अपघटन की तरफ बढ़ते हैं। जल का जब वैद्युत अपघटन होता है तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस निकलती है। जैसा कि आप समीकरण से देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से दुगनी होनी चाहिए। अब बगल में एक फोटो बना हुआ है, इसको जरा समझते हैं। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, ये दो पेंसिल हैं जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड का काम कर रही है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का होना चाहिए। एक बक्से में जल भरा हुआ है, जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तब इसमें से करंट बहता है और इससे जल का अपघटन होता है। जल अपघटित होकर के H2 और O2 बनाता है और यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि H2 की मात्रा ऑक्सीजन से डबल है। अब पढ़ते हैं सूर्य के प्रकाश से अपघटन की ओर। चांदी के दोनों यौगिक हैं,
एजीसीएल और एजीबीआर, ये दोनों जब सूर्य के प्रकाश में रखे जाते हैं तो चांदी बनती है और क्लोरीन और ब्रोमीन गैसेस निकल जाती हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी कहते हैं। प्रायः वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित करें और स्वयं लवण बनाए उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कील भूरी पड़ जाती है क्योंकि उस पर कॉपर जमा हो जाता है, और कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन होकर के हरे रंग का बन जाता है क्योंकि वो फेरस सल्फेट में बदल रहा है। इसकी अभिक्रिया देखते हैं। इस अभिक्रिया में आपने देखा कि लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित किया और खुद फेरस सल्फेट बना दिया। इस प्रकार भूरे रंग का कॉपर इस कील पर जमा हो जाता है। क्या उल्टा हो सकता है कि कॉपर कभी लोहे को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे? तो ऐसा नहीं हो सकता। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। जिंक, लेड, लोहा, ये तीनों कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अतः ये कॉपर सल्फेट या क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकते हैं। इनकी अभिक्रियाएं देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया पर। इसमें जैसा कि आपने देखा कि दो यौगिक के दोनों आयन आपस में बदल जाते हैं, ये इसके पास चला जाता है और ये इसके पास। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों ही श्वेत पारदर्शी विलयन है, उनकी अभिक्रिया से एक श्वेत पदार्थ बेरियम सल्फेट ऐसा बनता है जो कि जल में नहीं घुलता, इसे हम कहते हैं कि वो जल में अविलेय है। ऐसे पदार्थों को हम अवक्षेप कहते हैं। अब हम कुछ ऐसी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं देखेंगे जिनमें कि अवक्षेपण हो रहा हो। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से जब होती है तब लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब पोटेशियम आयोडाइड से होती है तब सिल्वर आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। लेड नाइट्रेट की अभिक्रिया जब पोटेशियम ब्रोमाइड से होती है तब ऑफ व्हाइट या पीला सफेद कह सकते हैं ऐसा अवक्षेप पोटेशियम सिल्वर ब्रोमाइड का बनता है। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया जब पोटेशियम क्लोराइड से होती है तब सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनता है। अब देखते हैं बहुत ही एक अहम पहलू पर जो कि है उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं कि उनमें उपचयन अभिक्रिया हुई है। इसका ठीक उल्टा है अपचयन, जिसमें कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही हो। गौर करने की बात है कि किसी भी अभिक्रिया में केवल उपचयन या केवल अपचयन नहीं हो सकता। यदि एक पदार्थ उपचयित होता है तो दूसरा अपचयित होता है, अतः इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से होती है तब जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस बनती है। अब इसमें देखिए,
ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड से निकलकर कार्बन में चला गया। जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तथा कार्बन में बढ़ी, अतः हम कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और कार्बन का उपचयन। एक और उदाहरण देखते हैं। अब इसमें MnO2 में से ऑक्सीजन हटा है तथा HCl में से H हटा है। हाइड्रोजन का ह्रास हुआ है क्लोरीन में से, अतः क्लोरीन का हुआ है उपचयन तथा मैंगनीज का हुआ है अपचयन। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाएं आप हमेशा देखते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि ये उपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण है। चलिए अब इन्हें भी देख लेते हैं। संक्षारण, लोहे में जंग लगने की समस्या के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। जब भी कोई नई लोहे की चीज लो तो उसमें कुछ दिनों के बाद जंग तो लग ही जाती है। चांदी और तांबे के सामानों पर भी ये प्रक्रिया होती हुई देखी जाती है। चांदी का पुराना सामान काला काला सा पड़ जाता है, तांबे पर भी हरी परत चढ़ जाती है, फिर उसे हम साफ करके हटाना पड़ता है। ये सब आपने हमेशा देखा ही होगा। ये तीनों उदाहरण संक्षारण के उदाहरण। जब भी कोई धातु अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आती है और उससे अभिक्रिया करती है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता, तेल और वसा युक्त खाद्य सामग्री जब बहुत पुरानी हो जाती है तो उसके स्वाद और गंध में कुछ परिवर्तन आता है। इसे हम कहते हैं कि वो वस्तु विकृत गंधित हो गई है। इससे बचने के कुछ तरीके देखते हैं। चिप्स की थैली में हम ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन कम क्रियाशील होती है, अतः वो चिप्स में भरे तेल और वसा से अभिक्रिया करके उसे उपचयित नहीं करती है। हम तैलीय खाना वायुरोधी बर्तन में भरते हैं। इससे होता यह है कि उस बर्तन में वायु नहीं जाएगी तथा इसलिए ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी और इसलिए वह पदार्थ उपचयित होने से बच जाएगा। तैलीय तथा वसायुक्त खाने में हम प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ भी मिलाते हैं। ये पदार्थ खुद उपचयित होते हैं और तैलीय या और वसायुक्त खाने को उपचयित होने से बचाते हैं।